आगरा में टमाटर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेसियों ने बैंक में जाकर टमाटर खरीदने के लिए लोन देने की मांग की। कांग्रेसियों का कहना है कि टमाटर और अदरक पेट्रोल से भी महंगा हो गया है और ऐसे में गरीब आदमी चटनी से रोटी खा रहा है। बैंकों को अब जनता को टमाटर खरीदने के लिए लोन देना चाहिए। गले में टमाटर और अदरक की माला पहनकर हाथों में अलग अलग नारों की तख्तियों के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कैनरा बैंक पहुंचे और वहां बैंक मैनेजर को ज्ञापन देकर जनता को टमाटर के लिए लोन दिए जाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टमाटर के लिए लोन देने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र भी दिया। यह सरकार टमाटर के दाम कम नहीं कर सकती, पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकती, रसोई गैस के दाम कम नहीं कर सकती, मणिपुर में हिंसा है उसे खत्म नहीं कर सकती, चाइना बॉर्डर पे जो हिंसा हो रही उसे कम नहीं कर सकती। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, विफल सरकार है। आज यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ कैनरा बैंक में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है मैनेजर को और ये मांग की है कि आम आदमी को टमाटर पर भी अब लोन देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि टमाटर अब पेट्रोल से महंगा हो गया है। खाना आम आदमी जो चटनी बना के खाता था, अब चटनी बना के भी नहीं खा सकता है, क्योंकि तेल पहले से ही महंगा है, सिलेंडर पहले से ही महंगा चल रहा है। तो अब आम आदमी का जीवन दुश्वार हो गया है। अब ये जिम्मेदारी बनती है कि बैंकों से लोन दिया जाए खाने पीने के लिए।